दो दिन पूर्व ज्ञानदेव आहूजा के ऑडियो वायरल पर आज श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने विधायक आहूजा पर तीखा जवानी वार किया है। उन्होंने आहूजा को मानसिक रूप से विकृत कहा, साथ ही हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दो दिन पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा का ऑडियो वायरल होने पर श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि इस तरह के बयान मानसिक विकृति का परिणाम है। उपचुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर यादव के अनुसार चुनाव में ना तो सरकार हारी है और ना ही वसुंधरा राजे हारी है। हार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अगर देश को भी लाभ नहीं, खुद को भी लाभ नहीं और पार्टी को लाभ नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान मानसिक परेशानी, कहीं ना कहीं ये मेरा डॉक्टर हो, क्योंकि मैं फिजिशियन भी हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ। कहीं ना कहीं परेशान पार्टी के अंदर एक एक विधायक मेरे साथ रहा, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहा, जो भी आए सबने मेहनत की। चुनाव हारा है तो ना तो वसुंधरा हारी, ना परिणामी हारा, ना मोदी जी हारे, ना अमित शाह हारा। चुनाव हारा हूँ तो मैं हारा हूँ, ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर लेता हूँ। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व विधायक आहूजा का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए उन पर शीर्ष नेतृत्व को कोसने के आरोप है। इतनी तगड़ी मार जो है सारी जगह से पड़ी, क्यों चक्कर क्या रहा, ये कुछ समझ नहीं सकता। अरे तो वसुंधरा बदनाम, जसवंत बदनाम, सरकार बदनाम, ये तो सरकार आ रही है, तुम थोड़ी आ रहे हो, मैं थोड़ी आ रहा हूँ। ये तो 17 विधानसभा सीटों का चुनाव हुए, 8 अलवर के, 8 अजमेर के, 1 मांडलगढ़, 17 विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो तू ओम प्रकाश बजीत नहीं आ रहा हूँ, चौधरी ज्ञानदेव आहूजा नहीं आ रहा, सरकार आ रही है। इस पर आज उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर जसवंत यादव ने ज्ञानदेव आहूजा को मानसिक तौर पर विकृत बताया।